हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम जा रहे हैं मेरे मायके एंड हम सब बैठे हैं कार में एंड भैया आगे ड्राइव कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी उनके सामने। मैं पहुंच गई हूँ घर एंड रास्ते में ही शौर्य सो गया था, सो रहा है ये शैतान सिंह। घर पे करके आया है बहुत सारी मस्ती एंड अभी ये चार्ज हो रहा है सो दैट ये फिर से खूब सारी मस्ती कर सके। तो अभी गई है नानी चाय बनाने एंड जूही आ गई है अपने भाई को देखने। शीकम एक दिन वो रुके, एक दिन हम रुके, अब एक दो दिन और रुकेंगे, फिर फुल ऑन मस्ती होगी। फिर कल या परसों मैं वापस चली जाऊंगी न्यू ईयर, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ ही सेलिब्रेट करूंगी, एक बार यहाँ पे एक बार वहाँ पे। शौर्य, शौर्य मम्मा, हाय। नानी के घर तो वो मम्मा को देखता भी नहीं है। हाँ बेटा, अच्छा इसको चलो। हम खड़े हैं बाहर बालकनी में, अभी इतनी ठंडा नहीं है। ये जूही का बर्थडे गिफ्ट है। शौर्य ये ले लो, इसे प्ले करो। ये शौर्य लगा रहा है अपनी नानी का चश्मा, ये देखो जरा, ये लगा लेंगे ये। ओ माय गॉड, कैसे फिट कर लिया। बेटू रख दो, ऐसे नहीं लगाते। हाँ बेटा, नो नो, नानी का चश्मा आपके, ये अच्छा नहीं है, आपको दूसरा लगाएगी मम्मा। अभी हम खा के आ रहे हैं गोलगप्पे एंड ये हमने शौर्य के लिए लिया था एक मीठा वाला गोलगप्पा, उसे ये वाला खाना पसंद है। ये किस तरह से उसमें अपनी फिंगर डाल के खा रहा है, उसे बहुत यम्मी लगता है। हम एक टॉय शॉप पे आए हुए हैं तो शौर्य टॉय से भी खेलने लग गया है एंड खा नहीं रहा है। जी की न्यू साइकिल आ गई। आज है नेक्स्ट डे मॉर्निंग एंड मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। मम्मी ने बनाया है पोहा, तो अभी मम्मा एंड मैं दोनों ब्रेकफास्ट करेंगे एंड मेरे हस्बैंड भी यहीं ब्रेकफास्ट करके गए हैं क्योंकि शौर्य को थोड़ी खांसी हो गई थी तो वो उसकी कफ सिरप देने आए थे, तो मम्मा ने ब्रेकफास्ट भी उन्हें करा दिया था, तो वो अभी यहाँ से गए हैं एंड हम लोग अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, जो भी मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। आप क्या कर रहे हो? दीदी का पिगी बैंक खोल रहे हो? ई नहीं खुल रहा है ना शौर्य? ओहो नहीं खुल रहा, बिल्कुल नहीं खुल रहा है। एक्टिंग बाज। सो फ्रेंड्स, आज मैं अपने घर पे रुकी हुई हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं अपने मायके आई हुई हूँ एंड आज है मेरे नेबर में एक न्यू ईयर की पार्टी एंड उसके लिए आज हो रही है मेरे घर में खाने की तैयारी। मैं अभी नहा धो के आई हूँ क्योंकि शौर्य सो रहा था, हमें वहाँ जाना है 5:30 बजे, अभी बज रहे हैं 2:30, तो मैं इसलिए नहा धो के फ्री हो गई हूँ। बस मुझे रेडी होना है, बट मैं तभी रेडी होंगी एंड मम्मी एंड भाभी बना रही हैं खाना, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी इस तरह की कोई पार्टी होती है तो ऐसा होता है कि कॉलोनी की सारी लेडीज़ एक एक या दो दो डिश बना के लेके जाती हैं, जैसी फैमिली होती है। तो मेरी काफ़ी बड़ी फैमिली है तो मेरे घर से 3-4 डिशेज़ जाएंगी, तो मेरी सारी भाभी और मम्मी काफ़ी कुछ बना रही हैं, तो मैं आप लोग के साथ वो ज़रूर शेयर करूँगी कि क्या क्या बना रही हैं। अभी तैयारी चल रही है तो मैं आप लोग को भी लेकर चलती हूँ किचन में। ये क्या बन रहा है? मटर पनीर। ये उसकी प्याज टमाटर पिस के रख गई है, उधर मम्मी तल रही हैं पनीर थोड़ा सा। नहीं बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करोगी ना, हल्का हल्का तलेंगी। ये मिक्स्ड वेज है ना, ये चलेगी कैसे? ये है सलाद की तैयारी एंड ये है आलू के पराठों के लिए, आलू गोभी प्याज हरी मिर्च और ये पनीर, तो ये 3-4 वैरायटी के बनेंगे पराठे। और इधर बन रही है हमारी मिक्स्ड वेज। सो फ्रेंड्स, अब हम हो गए रेडी। मैंने पहनी ये ब्लैक कलर की स्वेटशर्ट विद द डेनिम्स, ये मैंने ली थी पैंटलून से ऑफर में एंड ये शौर्य उधर तैयार खड़ा। ये है जूही। जूही कहाँ की ड्रेस पहनी है? साउथ अफ्रीका की। क्या बात है, उसके मौसा जी अभी उसे गिफ्ट दे के गए एंड शौर्य भी तैयार खड़ा है। कहाँ गया शौर्य? ये रहा शौर्य, वो अभी है चॉकलेट खाने में बिजी। तो सारा खाना बन चुका है, बस अब हम जाने के लिए तैयार हैं। सो मैं आपको लेकर के चलती हूँ एंड आज वैरायटी ऑफ डिशेस मिलेंगी आप फिर से आपको। आओ, 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 आओ।
जैसे ही हम पार्टी में पहुंचे वहां चल रहा था डांस। आज आंटी इन लोग सब डांस कर रही हैं। ये है मेरी सबसे बड़ी वाली भाभी जो डांस कर रही हैं। ये बहुत शौकीन है डांस की। इन्हें अगर कोई भी बोलता है ये तो सबसे पहले डांस के लिए स्टार्ट हो जाती हैं एंड बहुत अच्छा डांस करती हैं। अपने ज़माने के हिसाब से वो डांस करती हैं। सो हमें स्टार्टर में सर्व हुई है आलू की टिक्की एंड शौर्य खा रहा है मीठी वाली सौंठ। तो हम लोग अभी स्टार्टर में अपनी टिक्की एंजॉय कर रहे हैं। शौर्य को यहाँ फ्रूट्स बास्केट दिख गई थी तो उसने अपने फ्रूट्स खाने शुरू कर दिए। अभी वो खा रहा है बनाना एंड इसके बाद वो खाएगा एप्पल। वो अपने आप फ्रूट्स निकाल के ला रहा था। यहाँ हम खेल रहे हैं गेम। इस लोटे में डाले हैं बहुत सारे चावल और उसके अंदर बहुत सारे कॉइन्स। तो गेम यही है कि हमें इसमें से वन बाय वन कॉइन्स निकालने हैं एंड जो ज़्यादा कॉइन निकालेगा एक मिनट के अंदर वो विनर होगा। ये है नेक्स्ट गेम। इसमें रखी है कैंडल्स एंड हमें एक तीली से मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडल्स जलानी है एंड वही होगा विनर। तो मैंने शायद जलाई थी 7 कैंडल्स। सो अब डिनर टाइम शुरू हो गया है। इस टेबल पे है बथुए का रायता, आलू की सब्जी, छोले, बथुए की पूड़ी, सैलेड एंड ये है वेज पुलाव, गाजर का हलवा, मटर पनीर एंड इसके साथ साथ ये है आलू के पराठे और है ये मिक्स्ड वेज। ये इसमें से काफ़ी सारे आइटम्स मेरे घर से भाभी और मम्मी ने बनाए हैं। ये दही बड़े एंड यही सब लोग इस तरह से लेडीज अपना खाना खा रही हैं। मैंने पहले ही खा लिया था शौर्य को साथ बिठा के एंड इधर शौर्य खेल रहा है। उसे ड्राई फ्रूट का बॉक्स मिल गया है तो वो ड्राई फ्रूट्स खा रहा है। डिश में गाजर के हलवे के साथ साथ थे वाइट वाले स्पंज एंड ब्लैक वाले गुलाब जामुन भी। तो शौर्य थोड़ा सा वो भी टेस्ट कर रहा है एंड लास्टली है ये कुल्लड़ वाला दूध
ये भी घर पे ही बनाए, इस तरह से बहुत ही यमी था। मेरा पेट भर गया था तो मैं अपने साथ लेकर आई, वहाँ पिया नहीं था मैंने। सो फ्रेंड्स, वी आर बैक एट होम। काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी इन्जॉय किया, बहुत सारे गेम्स खेले एंड डांस भी किया। उसकी क्लिप मैंने इसमें थोड़ी सी ऐड कर दी है। एंड इसी तरह से हमने न्यू ईयर की सेलिब्रेशन की। ये मेरे नेबरहुड में था, मेरे नेबर में ही एक आंटी रहती है, उनके घर हम सब ने गेट टुगेदर किया था। बहुत ही यम्मी यम्मी फूड था, तो इस तरह से ही हमने सेलिब्रेट किया अपने न्यू ईयर के लिए। 31st of December, इट्स नॉट 31st, हमने किया 30th December को। तो बस यही था हमारा सेलिब्रेशन मायके की साइड में। एंड अब 31st December में देखती हूँ मैं अपने हस्बैंड के साथ कहाँ और कैसे मनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को ये वीडियो एंड ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, गुड नाइट।